हाय गाइस, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके आर्मपिट में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। अगर आपको अपने आर्मपिट की खुजली को ठीक करना है तो आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आज मैं आपके आर्मपिट के खुजली के लिए 5 उपाय बताने वाली हूँ, तो आप इन 5 उपाय में से किसी भी उपाय को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, आपको क्या करना है, आपको लेना है नारियल का तेल। नारियल तेल ले करके और अपने आर्मपिट पे ले करके मसाज करना है थोड़ी देर तक, यानी कि 5 मिनट तक आपको दोनों साइड मसाज करना है और आपको ऐसे ही रहने देना है रात भर के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो खुजली है, इचिंग है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन आपको इस प्रोसेस को कम से कम 15 से 20 दिन करना होगा। सेकेंड पॉइंट है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेकर के आपको उसे लगाना है, सिर्फ अप्लाई करना है, आपको इसे रब नहीं करना है, और आप इसे 2 घंटों तक के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप थोड़ा सा वार्म वाटर ले और उससे आप वॉश कर ले। ध्यान रहे कि आपको साबुन नहीं लगाना है। अब थर्ड पॉइंट है, आलू यानी कि पोटैटो। आलू लेना है और आपको उसके स्लाइसेस बना लेना है, पीसेस में कट कर लेना है। आलू को आप चाहे तो पील कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। और आलू लगाने से पहले आपको अपने आर्मपिट को अच्छे से किसी टॉवल से या कॉटन से या कोई भी कॉटन के कपड़े से आप उसे वाइप कर ले, क्लीन कर ले, और उसके बाद आप आलू ले और अपने जो आर्मपिट है जहाँ पे कालापन है या इचिंग हो रही है वहाँ पे आप रब करें। रब करेंगे आप 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इसे 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। और फिर आपको कॉटन के कपड़े के हेल्प से क्या करना है, आर्मपिट को वाइप कर लेना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह शाम आप कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा और इससे कालेपन भी दूर होता है अगर आपके आर्मपिट में काला हो गया तो। अब फोर्थ पॉइंट है शहद। शहद तो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, ये आप सभी को भी पता है। बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्दी खांसी में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि ये आर्मपिट के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपको लेना है 1 टेबल स्पून शहद, यानी कि 1 चम्मच शहद लेना है, और लेना है कॉटन थोड़ा सा। अगर कॉटन नहीं आपके पास तो कॉटन का कोई भी क्लीन किया हुआ कपड़ा लेना है, और आपको उसके हेल्प से अपने जो आर्मपिट है जहाँ पर इचिंग होती है इस जगह पर या इस जगह पे, तो आपको क्या करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। बस अप्लाई कर लेना है हल्के हाथों से और आपको कुछ भी नहीं करना है, उसे लगा करके आप उसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दे। अगर आप रात भर छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सुबह मॉर्निंग में उठ करके आप उसे वॉश कर लें। आप ध्यान रखें कि जो पानी आप यूज करें वॉश करने के लिए वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। या आप बाथ लेते हैं तो उस टाइम भी आप वॉश कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, जो आपको उसमें क्या करना है, लेना है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता आसानी से तो नहीं मिल पाता है सभी कोई को, लेकिन जिनके आसपास में नीम का पेड़ हो या पत्ता आसानी से मिल जाता हो या मार्केट में नीम का पत्ता अवेलेबल हो तो आप उसे बाय कर सकते हैं। और नीम के पत्ता को लेकर के आपको उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, और आपको क्या करना है, उसे मिक्सी ग्राइंडर में या सिलवटे में या किसी तरह आपको उसे महीन करके पीस लेना है। पीसने के बाद आपको अपने आर्मपिट पे लगाना है, लगा करके आप उसे 2 घंटे तक छोड़ दे, और उसमें कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है। 2 घंटे के बाद आप उसे हटा ले, कोई कपड़ा ले ले या कॉटन ले ले, और उसके सहारे आप धीरे धीरे उसे हटा ले। ऐसा करने से आपके जो आर्मपिट की इचिंग है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और कालेपन भी दूर हो जाएगी। आप इसे 15 से 20 दिन या 1 महीना कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में, आपके आर्मपिट में बहुत ज़्यादा दिनों से खुजली है तो तुरंत में तो ठीक होने वाली नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन लगाएंगे और ठीक नहीं होगी। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप इसे कम से कम 15 दिन आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जैसे ही आपको फ़र्क पता चलेगा तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे बताए गए पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपकी इचिंग ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के आर्मपिट में इचिंग हो रही होगी तो हमारी वीडियो देखेंगे और उन्हें हेल्प होगी। इसलिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।